अब आ रही है। हेलो थोड़ी सी बेहतर है, पर और अगर हो तो जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों जी सर, अब आ रही है। जी सर, अब आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, कल जो हमने डिस्कस किया था कुछ, उसको आपने देखा, रिवाइज किया? क्योंकि थोड़ा सा वो मुश्किल और चैलेंजिंग था। यस सर, किया था। अगर कल जो डिस्कस किया था वो आपने देखा था, और इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, मिसाल के तौर पे हमने क्लास में डिस्कस किया था, जैसे और हमने क्लास में क्वालिटी क्वांटिटी डिस्कस किया था, या आप लोग ने देखा हुआ है? जी सर, देखा हुआ है। और अगर मैं भी आपको 2 मिनट या 5 मिनट दूं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए अपनी कॉपीज में, अगर मौजूद है आपके पास, और 5 मिनट जरा डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी क्वांटिटी पे एक नजर देख लीजिए। ओके सर। आज का जो लेक्चर है वो इसी पर डिपेंड करता है। 5 मिनट में काउंट कर लो, 8:36 हो रहे हैं, 8:41 पे हम शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है जी, तो 5 मिनट्स रिवीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स, एक नजर देख लीजिए गौर से जरा। सर, रिवीजन किस टॉपिक का करना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी।
चलें जी शुरू करते हैं और टॉपिक हमारा है डिडक्शन। ये टॉपिक हमारा इस पूरे डिडक्शन का आखिरी टॉपिक है और यू शुड नो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक का जो कनेक्शन है वो तमाम टॉपिक के साथ। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है रूल्स Violation of syllogistic formal sentences. ठीक है जी, तो rules and violation of syllogistic formal fallacies. इसमें हम पढ़ेंगे कुछ rules. वो rules जो हमें help out करेंगे syllogism को बनाने में, और वो rules जो हमें help out करेंगे वैलिड सिलॉजिज्म को बनाने में। दो बातें याद रखिएगा, आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे रूल्स को, वो रूल्स जिनके जरिए हम सिलॉजिज्म को चेक कर सकते या बना सकते, और वो रूल्स जिसके जरिए हम सिलॉजिज्म को बेहतर तौर पर वैलिड कर सकते हैं। यानी वैलिड सिलॉजिज्म को बनाने के लिए हमें इस रूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हम देखेंगे वो है वायलेशन, यानी अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो आर्गुमेंट की शक्ल किस तरह की होगी, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिलॉजिज्म कैसे बनता है, वैलिड सिलॉजिज्म क्या है, और अगर कोई वैलिड सिलॉजिज्म नहीं है तो वो मिस्टेक उसके अंदर क्या है जो हम उसको पकड़ सकें। ठीक है, सो दिस इज टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। इस टॉपिक को हम रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ जिसको हम कहते हैं फैलेसी। फैलेसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम सिंपल कहते हैं फैलेसी इज मिस्टेक और एरर इन रीजनिंग। जब आप किसी को कोई डिडक्टिव रीजनिंग दे रहे हो, कोई सिलॉजिज्म प्रेजेंट कर रहे हो या कोई सिलॉजिज्म बना रहे हो, तो बजाहिर वो सिलॉजिज्म आपको सही नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर एरर नजर आना शुरू हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, फैलेसी कहते हैं मिस्टेक और एरर इन रीजनिंग, कि जो सिलॉजिज्म आप बनाते हैं यानी दो प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन का एक आर्गुमेंट बनाते हैं, वो आर्गुमेंट हो सकता है कि बजाहिर बिल्कुल परफेक्ट वैलिड नजर आ रहा, लेकिन जब आप उसको क्रॉस चेक करते हैं तो पता ही चलता है कि उस आर्गुमेंट के अंदर मिस्टेक है, एरर है, और उस एरर को हम कहते हैं फैलेसी। ठीक है,
कोई भी सवाल हो आप उनसे लिख के पूछ सकते हैं ताकि हम टारगेट तक पहुंच के इस लेक्चर को समझ सकें। अच्छा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि एक अच्छे और वैलिड आर्गुमेंट के लिए हमें रूल्स को याद करना पड़ेगा और उन रूल्स के जरिए हमें आर्गुमेंट को चेक करना पड़ेगा कि गिवन आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो बात सुन लीजिए कि किसी वैलिड आर्गुमेंट को चेक करने के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए ताकि हम मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सके और उस रूल की वायलेशन से अपने आप को बचा सके। सो टोटल वी हैव सिक्स रूल्स, हमारे पास टोटल छह रूल्स हैं। ठीक है, और उन रूल्स के नाम है और वायलेशन के नाम। तो जो पहला रूल है उसको हम कहते हैं अवॉइड फोर टर्म्स, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको दी गई नीचे। अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म, यानी कोई भी अगर कोई कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म है जो कल हमने पढ़ा था याद होगा आपको, अगर वो वैलिड है तो उसके वैलिड होने की शर्त ये है कि उसमें तीन टर्म्स होनी चाहिए। वो तीन टर्म्स क्या है? वो तीन टर्म जो हमने कल डिस्कस की, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है, यानी किसी भी कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म को वैलिड होने के लिए पहली शर्त यह है, रूल यह है कि उसके अंदर तीन टर्म होनी चाहिए। और तीन टर्म यह है कि मेजर टर्म होनी चाहिए, माइनर टर्म होनी चाहिए और मिडिल टर्म होनी चाहिए। इस रूल का अगला पार्ट यह है, ईच ऑफ विच इज यूज्ड मेजर टर्म, मिडिल टर्म और तीसरा कौन सा बताया आपने? माइनर टर्म। इस रूल का अगला पार्ट यह है कि ईच ऑफ विच इज यूज्ड इन द सेम सेंस थ्रू आउट द आर्गुमेंट। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये पूरे आर्गुमेंट में एक ही सेंस में इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी मेजर टर्म का जो मायने कंक्लूजन में मौजूद हो वही मायने मेजर प्रेमिस में मौजूद हो, माइनर टर्म का जो मायने कंक्लूजन में मौजूद हो वही मायने। सर जी जी सर, कल ये टर्म्स तो डिस्कस नहीं की थी, कल चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था ना, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। Making the most of your time. नहीं, लेकिन आपकी तो क्लास नहीं है, आप लोग क्यों बैठे हैं? ये क्लास टाइमिंग जो है ये तो BS 3 की है। सर हमारी BS 1 क्लास है। BS 3 क्लास है, लॉजिक की क्लास है। आप लोग टाइम चेक करें। सर हमारा टाइमिंग तो यही है, सुबह 8:30 से 10। जी सर, टाइम यही है 8:30 पे। रेगुलरली क्लास होनी है आपकी? पहली क्लास कल हुई थी 8:30 बजे। सर कल 8:30 बजे पहले क्लास थी तो इसकी वजह से आपकी क्लास 10 बजे। कल हमारी क्लास कितने बजे हुई थी पहली सुबह? 8:30 बजे हुई थी? नहीं सर, कल 10 बजे हुई थी। कल तो 10 बजे हुई थी। कल 10 बजे हुई थी? Yes, sir. जी सर। अच्छा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि टाइमिंग हमारी कहीं चेंज क्यों नहीं हुई, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा आज की क्लास के लिए। ठीक है, मैं फिर इसकी टाइम नहीं अपडेट करूंगा, मेरे ख्याल से ये BS 3 की क्लास है। तो सर हमारी आज क्लास नहीं होगी BS 1 की। मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। सर मैंने आपको शेड्यूल दिया व्हाट्सएप किया। अच्छा, मैं उसको चेक करता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं सर।
जी मेरे पास जो शेड्यूल है वो दूसरा शेड्यूल है, मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूँ, ठीक है? यू नीड टू वेट फॉर इट।